धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरी विधानसभा के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा में दिल्ली सरकार की एक डिस्पेंसरी थी, जो मैंने पहले भी सदन में एक दो बारी इस मुद्दे को उठाया है। उस डिस्पेंसरी को पॉली क्लिनिक में तब्दील कर दिया गया, पॉली क्लिनिक में पास करा गया कि इसका रिनोवेट करके इसमें पॉली क्लिनिक बनाया जाए, क्योंकि मेरी विधानसभा और आसपास की विधानसभाओं में स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत बुरा हाल है। कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो इस डिस्पेंसरी का टेंडर हो गया, टेंडर के बाद जब ठेकेदार ने काम शुरू करा तो पाया कि बिल्डिंग की हालत बहुत खस्ता है, तो उन्होंने इसके लिए एक जांच के आदेश कर दिए। वो जांच इतनी लंबी चली, थर्ड पार्टी जाँच के आदेश हो गए, फ्लड विभाग द्वारा ये डिस्पेंसरी बनाई गई, फिलर डिपार्टमेंट ने वो जांच को इतना लंबा टाल दिया कि वो जांच बहुत टाइम के बाद तो वो जांच होकर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद भी 2 साल कोरोना काल में गुजर गए, कोरोना काल के बाद फिर 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसका काम आज तक दोबारा शुरू नहीं हुआ और ये खंडर बनी पड़ी है। और मेरे आपके माध्यम से यही अनुरोध है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार स्वास्थ्य में, शिक्षा में इतने बेहतरीन काम कर रही है, दिल्ली सरकार बनाना चाहती है, लेकिन अधिकारी कौन अधिकारी ऐसे हैं जो इसको रोकने पर लगे हुए हैं। तो मेरी आपके माध्यम से ये दरख्वास्त, ये अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द उन अधिकारियों को आदेश दिया जाए। और मंत्री जी के द्वारा मैंने सत्येंद्र जैन जी को भी पहले कई लेटर दिए थे, और अब जो मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी को भी मैं लेटर दे चुका हूँ, लेकिन ना इस पर कोई अमल नहीं हो पा रहा है। तो मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि इस डिस्पेंसरी को जल्द से जल्द बना दिया जाए, जिससे वहाँ की जनता को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।